संजय सिंह को सबसे बड़ा नेता मानते हैं। संजय सिंह को मानते हैं, संजय सिंह को नेता मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। इसलिए ये राजपूत समाज के लिए उन्होंने जो काम कर रहे हैं सराहनीय है। अभी के समय में राजपूत समाज को संजय सिंह जैसे नेता की आवश्यकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी, मैं हूँ आपके साथ रोहित के, सब तो मौजूद हैं मधेपुरा जिला में। मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये सभी लोग राजपूत समाज के लोग हैं। आज हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो राजपूत समाज के लोग हैं वो अपना नेता किसे मानते हैं। संजय सिंह को सबसे बड़ा नेता मानते हैं। संजय सिंह क्यों, और भी कई नेता हैं जो बोलते हैं कि हम राजपूतों का नेता है। हम 30 साल या 25 साल से सब राजपूत के नेता को देख रहे हैं जी। मुख्यमंत्री भी क्षत्रिय समाज से बिहार में हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप का मूर्ति आज तक नहीं, मतलब कोई नहीं लगवाया था, कोई नहीं लगवाया। तो कौन बड़ा है ये आप देख लीजिए। हम ये नहीं कहते हैं जो सिर्फ इनसे बड़ा राजपूत का नेता हम नहीं देखे हैं। नहीं देखे, मतलब महाराणा प्रताप का मूर्ति लगा तो खुश हैं आप लोग? और काम होता है ना क्षत्रिय समाज का, पूरे पटना के बीच में लगाया था। हाँ, ये सबसे वीआईपी जगह है पटना में, इससे वीआईपी जगह कोई भी नहीं है। और वहाँ महाराणा प्रताप का मूर्ति लगा, ये इनका देन है, संजय सिंह का देन है। और संजय सिंह पटना से 300 किलोमीटर मधेपुरा पड़ता है, साल में 3 बार आते हैं। और साल में तीन बार आते हैं। राजपूत समाज के जो लोग हैं संजय सिंह को अपना नेता मानते हैं। अभी आने वाला समय संजय सिंह को ही नेता समझते हैं, चूंकि इनका क्रिया हुआ है जी। इनका ये किया हुआ है। राजपूत समाज के लोग किसे अपना नेता मानते हैं, क्योंकि राजपूत समाज में कई ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं कि राजपूतों के हम नेता तो हम नेता, लेकिन आप लोग किसे मानते? कहने के लिए तो बहुत कुछ है हमारे, जैसे किसान के अभी सुमन सिंह जी हैं जिला अध्यक्ष, बहुत अच्छी बात बोले जी। आज महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि, बहुत सारे राजपूत का नेता थे लेकिन किसी ने नहीं बनवाया, किसी ने नहीं बनाया महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि। हाँ, किसी ने नहीं, लेकिन एक संजय सिंह ही ऐसा आदमी था जो उन्होंने बनवाया, और पूरे बिहार के जितने भी राजपूत समाज भव्य तरीके से बनाया भी जाता है। हाँ, बिल्कुल मनाया जा रहा है। जिस बार अगले बार हम लोग उस कार्यक्रम में जाकर के शरीक भी हुए, कार्यक्रम में जाइएगा आप लोग, बिल्कुल जाएंगे। और संजय सिंह से खुश है एकदम, बिल्कुल नेता मानते हैं संजय सिंह को अपना, बिल्कुल नेता मानते हैं। क्या संजय सिंह को लोकसभा में भेजिएगा? हमारे माननीय मुख्यमंत्री से इनकी अच्छी संबंध है, यदि हमारी पार्टी का ये निर्देश होगा संजय बहू को लड़ाएगा तो हम लोग निश्चित रूप से मदद करेंगे। संसद का चुनाव लड़ने के साथ में खड़ा रहिएगा, बिल्कुल। हमारे संजय सिंह कैसे देखते हैं ये बताइए जी। समाज के लोग अपना नेता किसे मानते हैं? संजय सिंह को मानते हैं, संजय सिंह को नेता मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। इसलिए ये राजपूत समाज के लिए उन्होंने जो काम कर रहे हैं सराहनीय है जी। इसलिए हम लोग उनको अपना नेता मानते हैं, उनके कदम से कदम चलना चाहते हैं। उनके लिए हम लोग वो जो कहेंगे जहां जाएंगे उनके साथ हम लोग हैं, क्योंकि हमें गर्व है उन पर कि वो हम लोगों के लिए, राजपूत समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे को लोकसभा में भेजिएगा? बिल्कुल भेजेंगे, उनके लिए एक एक खून का कतरा। संसद का चुनाव लड़ेंगे तो बिल्कुल खड़ा रहिएगा, बिल्कुल राजपूत समाज के लोग जी, बिल्कुल बिल्कुल। 24 घंटा जी, बिल्कुल खड़ा रहिएगा, बिल्कुल। आप बताइए राजपूत समाज के जो लोग हैं वो अपना किसे नेता मानते हैं, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं। अभी के समय में राजपूत समाज को संजय सिंह जैसे नेता की आवश्यकता है। और एकदम संजय सिंह क्यों? इसलिए कि इन्होंने ही हम लोगों के पूर्वज जो हमारे कुलभूषण है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप फाउंडेशन के, तो उनके जयंती मनाने का साहस दिखाया है और उन्हीं के द्वारा आयोजित किया गया है। इसके लिए उनको हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। संजय सिंह को लोकसभा में भेजिएगा? बिल्कुल भेजेंगे, एकदम उनका स्वागत है। अगर लोकसभा से चुनाव लड़े मधेपुरा से तो हम लोग दिल खोल के सब आदमी साथ देगा, राजपूत समाज संजय सिंह को, संजय सिंह का सब समाज। हाँ, अगर संसद का चुनाव लड़ेंगे तो हाँ लोकसभा भेजिएगा आप लोग? हाँ, एकदम चुन के भेजेंगे। हाँ, मन बना लिए एकदम पूरा धन से संजय सिंह को हम लोग पूरे साथ देंगे, इसमें कोई तरह का बात नहीं है, कोई बात नहीं। दिल खोल के राजपूताना समाज साथ देंगे।
अभी आपने देखा मेरे साथ कुछ राजपूत समाज के लोग थे, आपको बताते चले कि हम इन लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर राजपूत समाज के जो लोग हैं वो अपना राजपूतों का नेता किसे मानते हैं। ऐसे में तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय दी। इनके साफ साफ कहना है कि हम लोग जो जदयू के MLC हैं संजय सिंह, उनको अपना राजपूतों का नेता मानते हैं, क्योंकि राजपूत में तो बहुत सारे नेता हुए लेकिन आज तक किसी ने सूरवीर महाराणा प्रताप का जो पुण्यतिथि है वो या फिर उनका जयंती है कभी किसी ने धूमधाम से नहीं मनाया। लेकिन संजय सिंह एक ऐसे शख्स है जो पुण्यतिथि भी और जयंती भी काफ़ी धूमधाम से मना रहा है। और इन लोगों का ये भी कहना है कि अब हम लोग संजय सिंह को अपना नेता मान चुके हैं और संजय सिंह को अब लोकसभा में ही भेजेंगे। अगर संजय सिंह अगर सांसद का चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग पूरा तन मन धन से उनके साथ खड़े रहेंगे। और भी इन लोगों का क्या कुछ कहना था वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।